ब्रह्म कुमारीज प्रेजेंट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा योगाथॉन स्वास्थ्य ही समृद्धि। ज्ञान है, विज्ञान है, योग सत्य है, प्रेम है, शांति है, योग बल है, शक्ति है, सामर्थ्य है, योग अगन है, लगन है, मगन है, योग गौरव है, गरिमा है, सम्मान है, योग ढाल है, कवच है, आवरण है, योग दुआ है, दया है, करुणा है, योग जीवन है, यात्रा है, योग मिलन है, संबंध है, अनुभव है, योग सुख है, आनंद है, विश्राम है, योग ही स्वास्थ्य है, योग ही समृद्धि है। रब को बना ले साथी हम, उसको ही बैकबोन लेकर एक संकल्प सभी करें हृदय से योगाथॉन। ओम शांति, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। योगाथॉन के पांचवें सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। ट्रू मेडिटेशन इज बीइंग फुल्ली प्रेजेंट in everything that is, including discomfort and challenges. It is not an escape from life. The gift of learning of meditation is the greatest gift you can give yourself in this lifetime. Aaj hum gehrai se Raj Yoga meditation par charcha karenge. Is vishay ko gehrai se explain karne ke liye हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमारी संगीता दीदी। दीदी, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। ओम शांति, नमस्ते। दीदी बचपन से ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ जुड़ी हैं और लगभग 30 वर्ष से वो समर्पित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं और राजयोग का शिक्षिका भी हैं एंड शी इज एन एक्सपर्ट इन मेडिटेशन। आज के योगाथॉन में हमारे साथ शामिल होंगे बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड बिल्डर, फेमस टीवी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सुनते हैं योगा का अपना अनुभव। सिस्टर चाहत पांडे, शी इज अ वेरी वर्सेटाइल एंड फेमस टीवी एक्ट्रेस। सक्सेसफुल करियर में योगा का बहुत महत्व रहा है क्योंकि हमारे शूट बहुत लंबे चलते हैं। हम कभी कभी डे नाइट शूट करते हैं, कभी हम 18 घंटे शूट करते हैं और 12-13 घंटे की शिफ्ट तो हमारी रोज होती ही है। तो उससे हमें जो थकान हो जाती है मेंटली रूप से, फिजिकल रूप से हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो योगा के जरिए मैं अपनी उस थकान को तुरंत रिलैक्स कर पाती हूँ और मेरी बॉडी भी योगा के जरिए तुरंत रिलैक्स हो जाती है। इनर पर्सपेक्टिव और आउटर पर्सपेक्टिव के अगर बैलेंस करने की बात हम करते हैं तो जहाँ आउटर पर्सपेक्टिव, जैसे कि मैं जब एक्सरसाइज करती हूँ, मैं योगा करती हूँ, तो वो मेरे शरीर को स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है और बलवान बनाता है। और अगर मैं इनर पर्सपेक्टिव की बात करती हूँ तो जैसे कि मैं मेडिटेशन करती हूँ, उससे मेरे मन को शांत रखता है योगा, मेरे दिमाग को शांत रखता है और मेरे मन को शुद्ध भी रखता है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि एक स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है।
और मैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप चाहे कितना भी बिजी हो, आप अपने डेली रूटीन में से सिर्फ आधा घंटा निकालिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और निरोगी बनाए रखने के लिए। आप आधा घंटा अपने दिन का जरूर निकालिए और आप उस आधे घंटे में योगा करिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे चाहत पांडे की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति। दीदी, राजयोगा मेडिटेशन को अगर हम और गहराई से समझने का प्रयास करें तो इसके जो मेन फंडामेंटल केंद्र बिंदु क्या हो सकते हैं जिसके कारण हम सहज रीति से राजयोगा मेडिटेशन करें? राजयोग के अभ्यास के लिए दो बातों को जानना बहुत जरूरी है जी। एक तो अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप की पहचान जी, क्योंकि राजयोग का अभ्यास ही तब संभव है जब आत्मा का संबंध परमात्मा से हो। तो संबंध स्थापित करने के लिए खुद का भी वास्तविक परिचय और दूसरा परमात्मा का भी यथार्थ परिचय चाहिए जी। और जब स्वयं की बात हम करते हैं तो मैं शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जी। ये आत्मा मेरा वास्तविक स्वरूप है और आत्मा का पिता है परमात्मा, इसलिए परमात्मा को जानना भी बहुत आवश्यक है। तो परमात्मा की पहचान में हम देखें पहली बात कि परमात्मा एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जैसे आत्मा है, जैसे आत्मा ज्योति बिंदु ऐसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। दूसरी बात, परमात्मा विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, जो भी धर्म वाली आत्माएं हैं, उन सबका वो पिता है और इसीलिए जितने भी धर्म हैं कोई ना कोई परमात्मा को ज्योति के रूप में याद करते हैं। कोई गॉड इज लाइट कह करके जी। कोई नूर ए इलाही कहकर, कोई एक ओंकार निराकार कहकर के परमात्मा को पुकारते हैं, याद करते हैं जी। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को किस चीज की आवश्यकता? दीदी बहुत सिंपल है, सबको शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, अनकंडीशनल प्यार चाहिए, स्वार्थ वाला नहीं चाहिए, मन की शांति प्राइमरली उसकी जरूरत है जी। और उस चीज की तलाश जी इंसान कहाँ कहाँ जाकर के कर रहा है, उसी की खोज में लगा हुआ, उसी की खोज में है जी। कई स्थानों पर जाकर के खुशी को ढूंढ रहा है, किसी इंसान से वो इस चीज को ढूंढ रहा है, किसी वस्तु वैभव में वो ढूंढ रहा है, धन दौलत में वो इन चीजों को ढूंढ रहा है और उसके पीछे वो दौड़ भी रहा है जी। लेकिन इस बात को हमें समझना बहुत आवश्यक है कि इन सब साधनों से ये सुख शांति आनंद हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। ओके, ये सब चीजें अगर मुझे चाहिए तो मुझे अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा इन गुणों का सागर है। इसीलिए तो उसको शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर कहते हैं, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ लव। तो परमात्मा इन गुणों का स्रोत है, इन गुणों का सागर है जी। और जैसे हम इनके साथ कनेक्ट होते हैं तो वो हमें भी फील होने लगता है। ओके, इसलिए राजयोग के अभ्यास में आत्मा की और परमात्मा की स्पष्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा दीदी, ये तो क्लियर हुआ कि ये दोनों बातों की क्लैरिटी जब तक नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते नहीं। हाय फ्रेंड्स, आइए मिलकर पावर एक्सरसाइजेस करते हैं।
दीदी, जब हम राजयोग का अभ्यास करने का प्रयास करें, मान लीजिए नॉलेज हो गया है, और किसी भी अभ्यास में मैं समझता हूँ अगर स्टेप बाय स्टेप्स उसके कोई विधि हो तो उसको करना बहुत सहज हो जाता है, बहुत क्लियर हो जाता है। और मैं समझता हूँ आज जितने भी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं संसार में, सब में यही बताया जाता होगा कि उसकी जो शुरुआत होती है मेडिटेशन की शुरुआत, एकांत में बैठ के बाहर की बातों से अपने मन को हल्का करके, जी माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करके थोड़ा बाहर की बातों को डिटैच करें, ये तो हमें पता है। मे बी इफ आई कॉल दिस एज द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज रिलैक्स कर ले अपने आप को, आगे क्या करना है मेडिटेशन में? राजयोग मेडिटेशन की बहुत अलग अलग स्टेप्स हैं जी, है ना। एकदम हम बहुत ऊंचे तपस्वी तो नहीं बन सकते हैं, कोई भी स्टार्टिंग कोई भी कार्य को शुरू करना है तो उसकी प्रारंभिक स्टेज पर पहले हमें जाना होगा, उसको समझना होगा जी। तो मेडिटेशन की प्रारंभिक अवस्था वो है कि हम कोई लक्ष्य को पहले निर्धारित करें, है ना। जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठूं तो पहले मैं सोचूं कि आज मुझे किस चीज का अनुभव करना है। बिल्कुल करेक्ट। जैसे बच्चा पढ़ाई करने बैठता है तो पहले सोचता है आज मुझे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऑफिसर अगर ऑफिस में जाता है तो सोचता है कि आज कौन सा काम पहले मुझे कंप्लीट करना है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे मैं भी एक लक्ष्य को निर्धारित करके अपना पूरा फोकस उस लक्ष्य पर निर्धारित करूं जी, और फिर धीरे धीरे इस बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने आप को सोल कॉन्शियसनेस की ओर लेकर जाओ जी। एक लक्ष्य का उदाहरण दे सकते हैं? लक्ष्य जैसे कि मैंने सुंदर सा लक्ष्य अपने मन में लिया कि मुझे शांति की अनुभूति करना है। ओके, है ना। शांति को मैंने लक्ष्य अपना बना लिया है जी। अब उसके अनुभव के लिए जी मुझे धीरे धीरे बाहर की दुनिया से जी अपने आप को अंदर की दुनिया में लाना, सोल कॉन्शियस में ले जाना होगा जी। और फिर जो मेरा लक्ष्य है शांति को पाने का, शांति को अनुभव करने का, तो मेरे उसके जो विचार हैं उसके इर्द गिर्द होने चाहिए। अपने मन के विचारों को शांति के विचारों में लेकर लेकर के जाना, उसकी गहराई में लेकर के जाना, उसी शांति का चिंतन करना ना? और मैं सोचूं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति से मैं अपना हर कार्य कर रही हूँ, शांति से हर स्थिति परिस्थिति को देख रही हूँ, हर दृश्य को देख रही हूँ, तो धीरे धीरे उसकी गहराई में मैं अपने आप को लेकर के जाऊँ जी, है ना। और फिर जैसे मन से हम विचार उत्पन्न कर रहे हैं तो हमारा बुद्धि रूपी कैमरा भी बहुत पावरफुल है जी, और वो एक बहुत सुंदर चित्र का निर्माण करता है जी। तो अगर हम विचारों के साथ साथ एक सुंदर सा चित्र भी निर्माण करते जाएं तो वह हमारे को अभ्यास में मदद करता जाएगा। विजुअलाइजेशन जी। तो लक्ष्य पर पहुंचने के साथ साथ अब हमें धीरे धीरे अपने मन को, हमने सोल कॉन्शियस पे अपने आप को लेकर स्थिति पर आ गए, स्थिति पर आ गए, उसके बाद होता है गॉड कॉन्शियसनेस, क्योंकि वही सोर्स है, वही सोर्स है। तो आत्म अभिमानी अवस्था के बाद मुझे परमात्म अभिमानी अर्थात ईश्वर को याद करना है, उससे अपने आप को जोड़ना है जी। वही योग मिलन है, वही मिलन है, वही योग है जी। तो फिर धीरे धीरे मैं अपने मन और बुद्धि के तार को उस सोर्स के साथ कनेक्ट कर दी जाऊं जी। जैसे हम तार को पावर हाउस से जोड़ते हैं जी तो घर में क्या आने लगती है, लाइट आने लगती, करंट आती है, करंट आ जाती है जी, है ना। तो परमात्मा से कनेक्ट करने के लिए मुझे अपने बुद्धि रूपी तार को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा जी। और जैसे ही वो कनेक्शन हो जाता है, जैसे आपको किसी से बात करना है, आप फोन लगाते हो, फोन कनेक्ट होता है जी। और जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ फिर आप क्या करेंगे, बातें शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ कनेक्शन होने के बाद दूसरी स्टेज आती कम्युनिकेशन। ओके, तार जुड़ गई जी, और फिर मेरी परमात्मा के साथ वार्तालाप शुरू हो जाती है जी, बातचीत शुरू हो जाती है जी। जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसको कोई नाम दे सकते हैं? इसको हम आध्यात्मिक शब्द में बहुत अच्छी
अच्छी बात ये कहते हैं आत्मा से परमात्मा की रूह रिहान जी, है ना, रूह मतलब आत्मा जी, और परमात्मा के साथ बातचीत करना जी, और अलग अलग संबंध जोड़ करके जी हम परमात्मा के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, अपने दिल की जो बातें वो उसके साथ कर सकते हैं जी। लेकिन आप देखना कि सारा दिन हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जैसे भी लोगों के साथ रहते हैं, तो वैसे हाव भाव हमारे अंदर आने लगते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, वैसे तौर तरीके हमारे भी होने लगते हैं। अब मैं बार बार जब परमात्मा से कनेक्ट होती हूँ, उससे कम्युनिकेट करती हूँ, उसके संग में रहती हूँ, तो उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके जो गुण हैं, वो मेरे अंदर भी आने लगते हैं। दीदी, एक मन में ऐसे एक सिंपल सा प्रश्न उठ रहा है कि आज तक की ये मान्यता रही है कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा, वाहेगुरु, गॉड, अल्लाह, और हम मनुष्यों ने परमात्मा से आज तक मांगा है और उसी को हमने प्रार्थना कहा या ध्यान में भी कहा कि हे परमात्मा, हमारे विघ्न को हर दो, दूर कर दो, हमारे जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण कर दो। और वो बहुत सिंपल भी हो सकती हैं कि मान लीजिए घर में किसी की तबीयत खराब है तो वो ठीक हो जाए, आज के वातावरण के अनुसार थोड़ा सा परिस्थितियां थोड़ा विषम है तो वो हांडर भी है, वो भी बच्चों का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। और इसको करने के लिए हमने बहुत सारी विधियाँ अपनाई, जप, तप, कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, मन्नतें मांगी। मुझे याद आता है कि बहुत अच्छी बात कहते हैं कि रोज सुबह मंदिर में घंटी बजाया, सोया खुद था और भगवान को जगाया। तो क्या भगवान के साथ ये जो रूह रियाना बात कर रहे हैं, ये वैसा ही कुछ है या कुछ भिन्न है, कुछ अंतर है इसमें राजयोग मेडिटेशन में? राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते समय ना परमात्मा को जब हम याद करने के लक्ष्य से बैठे हैं जी, तो हमें दो बातें बहुत ध्यान देनी है रूह रिहान में। रूह रिहान में ओके, कि एक तो किसी की भी कंप्लेन लेकर के नहीं बैठना है, ये मेरे साथ ऐसे करता है इसको ठीक कर दो, वो मेरे साथ ऐसा करता है इसको ठीक कर दो। लेकिन दीदी, हम दुनिया में कंप्लेन नहीं कर पाते, कोई सुनता नहीं है ना, तो फिर कम से कम भगवान परमात्मा से तो कर ही लें। लेकिन हमें इस बात का अटेंशन देना ओके, कि एक तो कंप्लेन के मूड से ना बैठे ओके, दूसरा कोई भी प्रकार की डिमांड लेकर के ना बैठे ओके, मांगे नहीं कुछ, मांगे नहीं, क्योंकि परमात्मा सागर है। इजी आप देखो, सूरज के सामने जाओ जी, मांगना पड़ता है गर्मी दो, तपत दो, धूप में बैठो ऑटोमेटिकली पसीने गर्म लगती, समुद्र किनारे जाकर के बैठो समुद्र से मांगना पड़ता है शीतलता दो, गहराई दो, विशालता दो, मांगना पड़ता है नहीं, सिर्फ उसके सानिध्य में जाकर बैठो वो चीज ऑटोमेटिक मिलने लगती है जी, बिल्कुल करेक्ट है। ये कैंडल यहाँ जली हुई है जी, जलाया रोशनी मिलने लगती है, अंधकार दूर, अंधकार दूर हो जाता है। ठीक इसी तरह से बहुत पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से, एक सरेंडर भाव से हम परमात्मा के सामने बैठे जी। और जैसे जैसे हम उसके सानिध्य में जाकर के बैठते हैं तो हम उसकी शक्तियों से अपने आप को शक्तिशाली बनाते जाते हैं, और इन शक्ति गुणों को हम कार्य में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। विघ्न को दूर करने की शक्ति अगर हमारे में आ गई तो आई कैन ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम, सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, परमात्मा हमको मार्ग बताएगा जी, अगर मेरा सही कनेक्शन उसके साथ है तो वो मेरा मार्गदर्शन करेगा जी, पर उस रास्ते पर चलना तो मुझे जी, बिल्कुल करेक्ट, सही मार्ग पर चलो तो मुझे वो प्राप्ति होगी जी। तो मैं बार बार उसके सानिध्य का अनुभव करूं, अपने आप को एम्पावर करूं, अपने आप को इतना काबिल बना लूं कि मुझे कुछ भी मांगने की जरूरत ना पड़े और मेरी हर आवश्यकता की पूर्ति होती जाए जी, बहुत अच्छा। तो राज्यों के सारी प्रोसेस में जी मुख्य चीज है कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल करेक्ट है, एकाग्रता के बिना तो कुछ नहीं कर सकते, जीवन में भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, हो सकती है।
और एकाग्रता की बात को अगर थोड़ा डिटेल में समझें तो एकाग्रता को फोकस भी कहा गया है। एकाग्रता के द्वारा हम राजयोगा में बहुत कुछ अनुभूति कर सकते हैं। एकाग्रता के लिए दीदी मैं समझता हूँ तीन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो आत्मा है, आत्मा जब विचार करती है तो उस शक्ति को, विचार करने की शक्ति को हम मन कहते हैं, और जो बुद्धि आपने कहा कैमरा जो चित्र बनाती है वो चित्रीकरण की शक्ति को हम बुद्धि कहते हैं, और फिर आत्मा फील भी करती है। तो जब हम किसी कार्य में, मेडिटेशन हो या अदरवाइज भी हो, हम किसी कार्य में अपना मन को, बुद्धि को और उसी फीलिंग में, अनुभूति में रहते हैं, ये तीनों आत्मा की शक्तियाँ जब एक हो जाती है तो एकाग्रता हो जाती है। बस एक इसमें एक दो बातें समझना ये है कि जब हम किसी कार्य में, लौकिक कार्य में भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उनमें जो डायलॉग हो रहा है वो मेरे मन पे आ रहा है, उसमें चित्र भी है तो मेरा बुद्धि उसके साथ अलाइंड है, और वो इमोशंस भी जागृत हो जाते हैं। मान लो कुछ सीन में हमने देखा है लोगों को आंसू आ जाते हैं, कोई डर जाता है, हंसी आ जाती है, तो मैं कम्प्लीटली फोकस्ड होता हूँ उस वक्त। और उस वक्त अगर कोई मुझे बुलाएगा भी तो शायद मुझे आवाज सुनाई भी नहीं देगी, क्योंकि मुझे उस जो मैं देख रहा हूँ उसमें पूरा इंटरेस्ट है, तो पूरा उसमें लीन हो चुका जी। बस एक छोटा सा तकलीफ या चैलेंज ये आता है कि कुछ कार्यों में तो हमारी एकाग्रता आ जाती है, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं या फिर ध्यान की जो प्रक्रिया होती है, उसी समय हमारा जो मन बुद्धि है वो इधर उधर भटकता है। और ये इसीलिए भी होता है कि हम सारा दिन का जो मेरी जो बातें हैं, जो मेरी अनुभूतियां हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, वो सब मुझे उस एक घंटे के मेडिटेशन को, उसकी क्वालिटी को या तो एनहेंस करेगी या फिर उसको लो डाउन करेगी। मान लीजिए मैं, आपने कहा मेडिटेशन में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उस फीलिंग में लेकर आइए, मन के विचारों को चेंज करिए, लेकिन सारा दिन अगर मैंने गुस्सा किया, मैं चिड़चिड़ा हुआ और मैं डर की फीलिंग में रहा या घबराहट में था, तो फिर वहाँ शांति की अनुभूति नहीं होगी, बिकॉज 23 hours ऑफ द एक्सपीरियंस विल नॉट हेल्प मी टू चेंज दैट 1 hour ऑफ एक्सपीरियंस। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूँ दो बातों का ध्यान रखना है। एक है सारा दिन, जिसको हम कर्मयोग भी कहते हैं, जो भी हम कार्य करें उसमें बहुत अटेंशन के साथ करें, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ करें। जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय ऐसा नहीं कि मोबाइल देख करके भोजन कर रहे हैं या टीवी देख करके कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो भोजन में एकाग्रता अर्थात भोजन करते समय उसको देखें अच्छी तरह, और खाते समय फील करें और उसको अच्छे वाइब्रेशंस भी दें, परमात्मा को भी याद करें, धन्यवाद दें जिन्होंने मेहनत करके हमारे थाली में आज खाना है, और वो कम्प्लीटली वो 10 मिनट भी अगर हम एकाग्रता को कर सकते हैं तो हमारी एकाग्रता की क्वालिटी बढ़ जाती है। तो जो भी करें उसको बहुत अवेयरनेस के साथ करें। नंबर 2, अभ्यास, प्रैक्टिस, क्योंकि जो फोकस होता है इट्स लाइक अ मसल, और जैसे जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वो मसल स्ट्रेंथन होता है, वैसे ही हमारा फोकस भी एक मसल की तरह है, जितना हम उसका अभ्यास करेंगे वो हमारा बढ़ जाता है। दीदी बस एक ही चीज़ में मैं आपसे कॉन्सेंट्रेशन में समझना चाहता हूँ, ये जो मंत्र होता है, ये मंत्र से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है क्या, थोड़ा आप हमको बताएं। भक्ति में एक बड़ी अच्छी कहावत सुनते थे हम जी, कि माला तो कर में फिरे जी, जीव फिरे मुख माहे जी, मनवा चहु और फिरे, ये तो सिमरन नहीं। बिल्कुल जी। अब मंत्र जाप क्या है कि आप मंत्र का मुख से तो जाप कर रहे हो, लेकिन मन बाहर की दुनिया में भटक रहा है जी। लोग ये समझते हैं कि किसी मंत्र के जाप को करते रहेंगे तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा जी। लेकिन वास्तव में मंत्र का अर्थ है मन प्लस त्र जी। त्र मीन्स त्राण, मन को प्रोटेक्ट करने के लिए मंत्र दिया जाता है। ओके। अब शरीर को जब हमें वैरायटी भोजन की आदत है तो क्या मन को वैरायटी भोजन नहीं चाहिए? जरूर, एक ही चीज खाएगा तो मन फिर भटकेगा, एक एक जाप करेगा तो मन भी भटकेगा, उसको भी हाँ सकारात्मक हो, लेकिन उसको सकारात्मक भी वैरायटी संकल्प देते रहेंगे तो मन वहां पर कॉन्सेंट्रेट
हो सकेगा। जी बहुत अच्छा। तो दीदी इसको अगर मैं समराइज करूं तो मेडिटेशन का जो सिंपल स्टेप्स है कि हमने अपने आप को रिलैक्स कर दिया मन और बॉडी को, फिर हमने कंटेम्पलेट किया, अच्छे विचार क्रिएट किया कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, सोल कॉन्शियस में लाए, फिर गॉड कॉन्शियस में होकर उनके साथ हमने कम्युनिकेट किया, और कम्युनिकेट ये पूरे प्रोसेस में अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिकली हमको अनुभूति और एक्सपीरियंस हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि ये योगाथॉन चल रहा है, इसमें हम हर चीज़ अनुभव और प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें एक छोटा सा मेडिटेशन, राजयोग का मेडिटेशन की अनुभूति हमको कराएं। कुछ पल के लिए अपने आप को रिलैक्स कर दें। इस सुंदर अनुभव के लिए कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखों को बंद कर दें। मन के विचारों को स्लो डाउन करते जाएं और अपना संपूर्ण ध्यान मस्तक के बीच प्रकृति के मध्य केंद्रित कर लें। महसूस करें मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, शांति का निर्मल बिंदु हूं, मेरे मस्तक से ये शांति का प्रवाह मेरे आसपास के वातावरण में फैल रहा है। शांति के प्रकंपन मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रहे हैं। मैं बहुत ऊर्जा महसूस कर रही हूं, शक्ति महसूस कर रही हूं, बहुत फ्रेश फील कर रही हूं। मेरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है, मन से भी रिलैक्स हो चुके हो। कितनी अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। आई एम पावरफुल बीइंग। तो इस तरह से हम दिन भर की दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा समय, दो दो मिनट भी निकाल करके ये अभ्यास करते रहेंगे तो एक ऊर्जा महसूस होती रहेगी जी। कभी भी बैटरी डाउन नहीं होगी, लेकिन बैटरी फुल रहेगी जी, चार्ज्ड रहेंगे जी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले कुछ क्षण मन की शांति को सचमुच अनुभव किया होगा, और इसका रोजाना अभ्यास करके जब चाहें आप अपने मन को, तन को साध कर अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार योगा और मेडिटेशन को प्रयोग कर हम अपने जीवन में बहुत कुछ बेनिफिट पा सकते हैं, आइए चलते हैं, सुनते हैं विजय माधवा जी को, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ही इज द चेयरमैन इमेरिटस ऑफ दी वाधवा ग्रुप, एंड उन्होंने योगा और मेडिटेशन को अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह आत्मसात किया है। उनके एक्सपीरियंस को, उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ है, लेट्स लिसन टू सर। जो भगवान ने हमको दिया है इज द गॉड्स गिफ्ट। We can navigate it the way we want to do it. It's on our thoughts how we do. I'm a businessman by profession. I was very short-tempered, very hyper, made unrealistic goals, wanted to achieve things in the shortest possible time. In 1995, I had slip disc. Doctor said,
के ट्राई टू डू ऑपरेशन और मेडिसिंस बट अ फ्रेंड ऑफ माइंड सजेस्टेड के ट्राई टू डू मेडिटेशन आई डिड वन शिविर एंड आई बिलीव यू मी आई वॉज मच बेटर माई नर्व्स वर काम MRI machine showed that my operation was successful just by one shibir. Then shibir pe shibir, shibir pe shibir, then meditation became a part of my life. Now I can't live without meditation. On this occasion of Yoga Day, I would like to inform to the all young generation, it's not only ritual of doing yoga, body or weight control. It is a combination of all the three, mind, body and soul. Unless hum apne sharir ko prakriti ke saath, in teenon cheezon ke saath balance way se nahin karenge, we can't have a healthy life. We are controlling our diet with sattvic khana. We are controlling our body by exercises. We are controlling healthy. By meditation and pranayama, we are trying to improve. Our soul needs to be recharged, which is charged by meditation. The more deeper we go in meditation, we lead a blissful life. Jisne kiya nahi, he can't get the taste of it. Unless we try meditation, which is the need of the day. We have to come out of all these vices, what we are having. Hum apne sanskar badal sakte hain, agar hum us raste chalein. Aaj ke tarikh mein, जो ये एनवायरनमेंट में वायरस हुआ है ऑल्दो इट हैज़ डन लॉट ऑफ डैमेज टू द वर्ल्ड बट इट हैज़ गिवन अस अ क्लीन एनवायरनमेंट द कंट्रीज द ह्यूमंस द गवर्नमेंट्स द यूएन ट्राइड अ लॉट बट ऑल्दो इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर ये जो एनवायरनमेंट का हुआ है वी ऑल शुड कमिट टू अवर सेल्व्स के वी हैव टू लीव अ हैप्पी प्लैनेट विच फॉर अवर नेक्स्ट जनरेशंस by following this path of simplicity and purity. Didi, किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए discipline होना बहुत जरूरी है. बिना discipline और अनुशासन के हम वो कार्य को आसानी से सिद्ध नहीं कर सकते हैं. और ऐसा कहा जाता है कि अनुशासन जो होता है वो उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है. जो हम चाहते हैं और जो प्राप्त होता है उसके बीच का वो ब्रिज है. और कहते हैं कि अनुशासन के बिना और अभिमान के साथ किया गया तप भी व्यर्थ कहलाता है. और एक व्यक्ति की जो चरित्र निर्माण में भी अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है. तो राजयोगा मेडिटेशन की उपलब्धि के लिए उसमें जो हम अनुभूति करना चाहते हैं वो जो लक्ष्य है हमारा तो राजयोगा मेडिटेशन में भी कुछ अनुशासन की बातें सारा दिन भर में जो भी हमारे बातें होती है उसमें हमको क्या बातों का ध्यान रखना है किन नियमों का ध्यान रखना है जिससे कि मैं अच्छी रीति से राजयोग का अभ्यास करूं और उससे मैं अनुभव भी कर सके. राजयोग के अभ्यास में दिन भर की दिनचर्या में सबसे पहले हमें अपने खान पान की शुद्धि पर ध्यान देना होगा. क्योंकि अन्न शुद्धि ये सबसे बड़ा फैक्टर है. लेकिन जब शाकाहारी भोजन की बात करते हैं तो सात्विक भोजन और शाकाहारी भोजन उसमें भी फर्क है. जो लोग स्नान आदि करके साफ कपड़े पहन के साफ स्थान पर शुद्धि से भोजन तो बनाते हैं लेकिन क्या साथ साथ मन के विचार शुद्ध हैं? अगर मैं चिड़चिड़ेपन में मजबूरी से गुस्से में खाना बना रही हूँ तो उस भोजन की क्वालिटी कैसी होगी? भोजन तो बन जाएगा लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी होगी? तो इसीलिए भोजन बनाते समय लोग मिलावट का ध्यान रखते हैं. चीज़ों में मिश्रण नहीं होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए. लेकिन खुद भोजन बनाते समय अपने कैसे नेगेटिव विचारों का मिश्रण उसमें डालते हैं और इसलिए उस भोजन में ताकत नहीं रहती है. यदि अष्टांग योग में जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है तो यम जो है उसमें अहिंसा को बहुत प्राथमिकता दी है और उसमें कहा गया है आप किसी भी जीव जंतु व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचा सकते. हानि तो बहुत दूर की बात है. तो मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम तो और ऐसे विचारों से अगर भोजन बना रहे हैं खिला रहे हैं तो एक तरह से वो भी तो दुख पहुँचाना हुआ ना. तो सात्विक भोजन वो
शुद्धि से तो बना है, लेकिन परमात्मा की स्मृति में बनाया जी। परमात्मा को स्वीकार कराया जी। और उतने ही प्यार से खुशी से अपने परिवार वालों को खिलाया, उसी भावनाओं से खिलाया जी। तो आप देखो उस भोजन के बाद, उस अन्न की शुद्धि के बाद, उस सात्विकता के बाद खुद का मन तो शांत होगा ही, लेकिन घर का वातावरण भी धीरे धीरे शांत होने लगता है जी। क्योंकि परमात्मा की याद में बनाया वह भोजन जी। परमात्मा को स्वीकार कराया वह भोजन, वो भोजन नहीं रहता है जी। फिर वो प्रसाद बन जाता है जी। और हमारे जो माउंट आबू जो हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे जो हार्ट के ऊपर जो रिसर्च हुए हैं, जो डायबिटीज के ऊपर रिसर्च हुए हैं, और कई जगह पे कैंसर की बीमारी और मन की बीमारियों पर, और उसमें एक जो फैक्टर था जो था हमारा सात्विक डाइट, उसका जो इम्पैक्ट होता है टू रिग्रेस द कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं जी। तो खान पान की शुद्धि तो हमें रखना ही है, लेकिन साथ साथ संग की संभाल भी करना है जी। बहुत इम्पोर्टेंट है संग से। मुझे बहुत अच्छी यू नो कपलेट याद आता है, कहते हैं बुरी संगति उस गरम कोयले की तरह है, बुरी संगति कोयले की तरह, गरम हो तो हाथ जला दे, ठंडा हो तो फिर काला कर दे। वो मतलब कहीं से भी बुरी संगति हेल्प नहीं करती, इसीलिए कहते हैं जैसे संगति वैसी गति। और कहा गया है कि मंथरा की संगति से ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया, और वो कैकेयी राम को ज्यादा प्यार करती थी, फिर भी हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। और सच्चे और सत्य राम के संग के कारण विभीषण का जीवन का उद्धार हो गया। और हम किस संगति में रहते हैं वैसे ही फिर हमारी गति बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सारे दिन में हमें उन लोगों का संग से थोड़ा अपने आप को किनारा करना पड़ेगा जो नेगेटिव एनर्जी के हैं, जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, जो गलतियां ढूंढते हैं, जिसको अंग्रेजी में टॉक्सिक पर्सनैलिटी कहते हैं। और इसके साथ मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस योगाथॉन में हमारा एक होलिस्टिक लाइफ के बारे में है। तो राजयोगा मेडिटेशन में संघ की जो शुद्धि है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आज का जो वातावरण है या जो आज का समय है, यहाँ मनुष्य भले बुरे संगति में वैसे नहीं है, लेकिन हमारा जो टीवी, हमारा जो मोबाइल फोन, हमारी जो सोशल मीडिया है, यहाँ से भी हमको बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। उठते साथ हम टीवी में ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं, और आजकल तो ऐसा पैटर्न हो गया है कि सोते हम मोबाइल को लेकर हैं और हाथ में रख करके उसमें जो भी बातें आती हैं। तो इन सब की भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, बट आई शुड नो हाउ टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड इन अ बेटर वे। जहां जरूरत है वहां करें, लेकिन व्यर्थ आवश्यकता से अधिक ना करें। और ये सब के कारण दीदी हमारा जो क्या कहें, जीवन जो है वो जो व्यवहार है उसमें भी ये फिर असर करता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि व्यवहार शुद्धि को कैसे हम अनुशासन के रूप में, व्यवहार शुद्धि की बात करें, और जैसे आप संघ की बात कर रहे थे तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आती थी जी। एक पानी की बूंद जी जी है ना, जब वो गरम तवे पर पड़ती है तो वाष्पित हो जाती है, वाष्पित हो जाती है, उड़ जाती है जी। और वही छोटी सी पानी की बूंद एक पत्ते के ऊपर पड़ती है तो कैसे मोती जैसे, ड्यू ड्रॉप जैसी हो जाती है, वेरी शाइनी। और वही पानी की बूंद जब सीप में पड़ती है तो वो मोती बन जाती है। चलिए, तो मेरा संग सारे दिन का कैसा है, मुझे अच्छाई की तरफ ले जा रहा है या मुझे बुराई की तरफ बूंद, ले जा रहा है। बूंद ही है, लेकिन तीनों संग में उसका रिजल्ट अलग अलग होता है। तो इसलिए संग पे ध्यान दें। और जैसे व्यवहार की बात है जी, कि दिन भर में बहुत से लोग हमारे सामने आते हैं जी, पर उनके प्रति मेरी दृष्टि कैसी है जी, मेरी वृत्ति कैसी है जी, मेरी स्मृति कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है जी। अगर मुझे बात बात में गुस्सा आता है या बार बार मेरा मूड चेंज होता है, जैसे टीवी की चैनल्स चेंज करते हैं ऐसे आजकल लोगों के मूड चेंज होते हैं जी, या सारा दिन मैं झूठ बोलती हूँ जी,
मतलब मुख में कुछ और भाव में कुछ कर्म और। में कुछ और है, झूठ में बोलती हूँ या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, सारा दिन असंतुष्टि बनी हुई है, तो ये सारे मेरे व्यवहार में हो तो मेरे लिए योग का अभ्यास होगा तो सही, लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा। ओके। मुझे ध्यान देना है कि दृष्टि में मैं हरेक के प्रति आत्मिक भाव रखूं, ओके, वृत्ति में सबके प्रति शुभ भाव रखूं, ओके, और स्मृति में सदैव मेरे लक्ष्य निर्धारित हो, और व्यवहार में सबके प्रति मधुरता हो। अगर ये सारी दिन की दिनचर्या में मैं इसको शामिल कर लूं तो मेरे लिए राज्यों का भी अटेंशन की जरूरत है, तो राज्यों का अभ्यास बहुत सहज हो जाएगा। तो विचारों से व्यवहार बनता है जी, है ना, इसलिए विचारों पर भी ध्यान देने की जरूरत जी, है। जी जी, मैं कह रहा था कि यू आर व्हाट यू थिंक, आप वही हैं जो आप सोचते हैं। तो राजयोग में ये अनुशासन बहुत जरूरी है कि मैं अपने मन के विचारों को किस दिशा में लेकर जा रहा हूँ। और कहते हैं दीदी कि आप कोई भी वस्तु जहाँ फैक्ट्री में बनती है तो वहां पर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, ऐसे ही प्रोडक्ट बाहर नहीं आ जाता है। तकलीफ इस बात की है कि हमारे पास हमारे विचारों का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है, हम उसको चेक नहीं करते हैं। तो मन के विचारों को नेगेटिविटी से पॉजिटिव लाना ये मेरा जिम्मेवारी है और ये हम कर सकते हैं, हमारा चॉइस है। और एक और आपको उदाहरण देता हूँ कैसे हम मन के विचारों को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि कोई सोसाइटी में वॉचमैन है, तो वो वॉचमैन क्या करता है, वॉच करता है, ठीक, बहुत अच्छी तरह। इसी तरह सारे दिन में हम अपने विचारों को वॉच करें, और अगर नेगेटिव है तो जैसे गाड़ी चलाते तो ब्रेक लगा देते, स्टॉप, भाई आप गाड़ी आगे नहीं जाना चाहिए। और अगर सही है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, शुभ है, ब्यूटीफुल है, तो फिर हम उसके साथ अपने मन के विचारों को आगे लेकर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे साथ शामिल हो रहे हैं टीवी एक्टर राजीव भारद्वाज और फेमस हेयर स्टाइलिस्ट हनी लूला। हम उनसे सुनते हैं कि उनके अनुभव और इंस्पिरेशंस फॉर योगाथॉन। नमस्कार, मैं हूं राजीव भारद्वाज। योग जीवन है, यात्रा है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात जीवन के हर काम में कुशलता ही योग है। योग इज एक्सेलेंस एट वर्क। अब सवाल यह उठता है कि अगर हमें जीवन के हर काम में कुशलता पानी है, एक्सेलेंस पानी है, तो उसका पहला कदम क्या होना चाहिए? हमारा खुद का स्वस्थ, हेल्दी रहना। मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना बहुत पसंद है। आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर एज वेल। मेरे हर दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से होती है। ऑफ कोर्स ये मुझे फिजिकली तो हेल्दी रखता ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंटली बहुत ज्यादा एनर्जाइज रखता है, जो अलग अलग प्रेशर सिचुएशंस, चैलेंजेस को अच्छी तरह से फेस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आइए दोस्तों, आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब मिलकर ये प्रण करें कि योग को अपने जीवन में जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हनी लूला। आई एम अ हेयर स्टाइलिस्ट एंड अ साउंड हीलर एंड अ साउंड मेडिटेशन फैसिलिटेटर। आज इस वर्ल्ड योगा डे पे मैं ब्रह्म कुमारीज के सारे 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 सेंटर्स को एंड मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। एंड आई वुड रियली वांट टू से कि आप लोग का योगा के मार्ग पे इतना बड़ा योगदान रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आई थिंक आज हर कोई योगा का मार्ग अपना रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड I think it is one way of filling up your cup and emptying what's not needed and being more open for goodness to pour in. And Sister Shivani ki maine itni sari baatein apne life mein apnai hain, so thank you so much for everything. Didi,
अनुशासन की तो बात हमने सुन ली, राजयोग मेडिटेशन अगर हम अभ्यास करें तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मुझे एक बहुत अच्छी पंक्ति याद आती है जी। दिखता है आईने में हर दिन एक नया चेहरा, दिखता है आईने में हर दिन एक नया चेहरा, कपड़े कम खुद को ज्यादा बदला है इस राजयोग मेडिटेशन में। मैंने बहुत लोगों से मैंने बातें की है और उनके जीवन के अनुभव सुने हैं कि कैसे थे वो और राजयोग का अभ्यास करने के बाद कैसे उनमें परिवर्तन आया, अन्न की शुद्धि का परिवर्तन, सकारात्मक चिंतन का परिवर्तन, उनका जीवन ही पूरा यू नो पॉजिटिविटी से चेंज हुआ। तो मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे दर्शकों को कुछ बेनिफिट्स बताएं राजयोग मेडिटेशन के। राजयोग मेडिटेशन मात्र रिलैक्सेशन टेक्निक ही नहीं है, बिल्कुल, पर ये परिवर्तन की बहुत बड़ी प्रक्रिया है जी। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे हर एक के अपने स्वभाव हैं, संस्कार हैं जी। कुछ संस्कार अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं जी। बुरे संस्कारों को हम खुद ही सोच करके परेशान भी होते हैं कि मैं इसको बदलूं, लोग भी हमारे उन संस्कारों को देखते हैं तो सोचते हैं कि बदल जाएं जी। तो परिवर्तन करना तो चाहते हैं जी, लेकिन परिवर्तन करने की ताकत नहीं है। मैं पूछना चाहता था जब आप व्यवहार शुद्धि के बारे में कह रहे थे कि भाई अब मुझे गुस्सा तो आता है लेकिन अब उसको चेंज कैसे करें, चेंज कैसे करें जी। तो परिवर्तन करना तो चाहते हैं लेकिन परिवर्तन करने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है जी। अब जब रोज रोज हम अपने आप को परिवर्तन के लिए ही सकारात्मक चिंतन देते हैं जी, अपने लिए ही शुभ सोच रखते हैं जी। जैसे एक पत्थर है ना, नुकीला है, आड़ा है, तिरछा है, लेकिन जब रोज उसके ऊपर पानी की बूंद गिरती है, पानी की धार गिरती है, तो रोज रोज की धार उस पत्थर के नुकीलेपन को खत्म कर देती है जी। पत्थर स्मूथ हो जाता है, मुलायम हो जाता है, गोल हो जाता है। गोल हो जाना मतलब परिवर्तन हो जाना, और जिस दिन वो गोल हो गया उस दिन वो पूजनीय बन जाता है जी। संस्कार ऐसे ही नहीं बदलेंगे, हमें भी अपने संस्कारों के प्रति दृढ़ता अपनानी पड़ेगी। रोज का एक सकारात्मक चिंतन, शुभ सोच अपने परिवर्तन का मुझे देना होगा, और रोज रोज का सोच उस पर अटेंशन, वो मेरे संस्कारों का परिवर्तन कर देगा जी। तो राजयोग का अभ्यास संस्कार परिवर्तन के लिए भी जरूरी है। दूसरा, राजयोग के अभ्यास का सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति को जीवन में कोई एक साथी की जरूरत होती है, है ना। घर से बाहर निकलना है तो पहले वो सोचता है कि कोई मेरे साथ चले जी। और अगर कोई साथी नहीं है, कोई साथ नहीं है, तो वो व्यक्ति अकेलापन फील करता है जी। और अकेले होते होते वो निराश होने लगता है, अपने जीवन से खुशी, उमंग, उत्साह को वो खत्म कर देता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके जीने का ही उमंग खत्म हो जाता है। वर्तमान समय में तो ऐसे बहुत देखा बहुत जा रहा है। ऐसे केस हम देख रहे हैं जी। तो परमात्मा का अगर हम साथ लेते हैं, नित्य प्रति उसको हम याद करते हैं, तो परमात्मा सिर्फ साथ नहीं देता है पर वो हमारा जीवन साथी बन जाता है। ओके। और जब परमात्मा को जीवन साथी बना लो, कदम कदम पर उसके साथ का अनुभव करो, तो जीवन में कभी अकेलापन फील नहीं होगा। कोई व्यक्ति कितना साथ देगा, लेकिन परमात्मा आप याद करो और उस क्षण अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, हमारे साथ वो हाजिर हो जाता है ना। और दूसरा, जब परमात्मा को प्रतिपल हम साथ रखते हैं तो हमारी सबसे बड़ी कमी निकल जाती है कि हम कोई भी गलत कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं गलत काम नहीं कर सकता, मैं कोई पाप नहीं कर सकता, वो मुझे देख रहा है, वो मेरे साथ है, तो वो मुझे पाप करने से बचा लेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा बेनिफिट है ये जी।
और मैं समझता हूँ दीदी, मेडिटेशन करने से हम हल्के भी हो जाते हैं जी। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हम इमोशनली चार्ज्ड हो जाते हैं। बेसिकली भारीपन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक है बाह्य भारीपन और एक होता है आंतरिक भारीपन। और मैं समझता हूँ कि हम मन से ज़्यादा थकते हैं बल्कि शरीर से कम थकते हैं, और जो मन की थकान होती है वो फिर डिप्रेशन और सुसाइड और उन सब चीज़ों में लेकर जाता है। तो जब हम मन से हल्के हो जाते हैं, इमोशनली पॉजिटिव हो जाते हैं, तो जीवन की जो भी चैलेंजेस है, जो भी समस्याएं हैं, उसको बहुत हल्केपन से हैंडल कर सकते हैं। अब जब जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करके उसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट हमको हल्कापन इसीलिए भी आता है क्योंकि जब परमात्मा मेरा पिता है तो मैं, मेरा जो पूरा आधार होता है वो सिर्फ कर्म में होता है, और फिर जो रिजल्ट है उसको मैं फिर परमात्मा के ऊपर जिम्मेवार दे देता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा पिता के साथ होगा, रोड क्रॉस करना होगा तो उसको ध्यान नहीं रखना पड़ता गाड़ी कहाँ से आ रही है, निश्चिंत रहता है। ही इज जस्ट एंजॉयिंग द प्रेजेंस विद द डैडी एंड ही नोज दैट डैडी विल प्रोटेक्ट मी। तो इससे भी हम जो कार्य कर रहे हैं उसको बड़ा निश्चिंत होकर एंजॉय करके अपना 100% सिंसियरिटी के साथ, लगन के साथ करें, और रिजल्ट की बात हम फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ते तो उससे भी हमको हल्का लगेगा। और इससे फायदा ये होता है कि हमारा जो पूरा उद्देश्य होता है वो प्रोसेस ऑफ लाइफ में होता है, ना कि रिजल्ट में होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, वो एक यात्रा है। और जब ये यात्रा में हम हल्के होकर यात्रा करते हैं तो जीवन यात्रा भी सुधर बहुत इजी हो जाता है। तो जीवन यात्रा को और सुंदर, राजयोगा मेडिटेशन से इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं जीवन यात्रा को अच्छा करने के लिए? अब जब परमात्मा को मैंने अपना साथी बना लिया जी, उसको मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया जी, है ना, मैं ट्रस्टी बन गई, उसको मैंने मालिक बना दिया, बिल्कुल हल्के हो गए जी, तो फिर बचा ही क्या? फिर तो पूरी जीवन यात्रा ही सरल, सहज, सुगम और सफल हो जाती है। पहले जो हमें अपनी लाइफ बहुत टफ लगती थी, जिंदगी जीना मुश्किल लगता था, लोग दिन काटने की बात करते थे जी, अब वो जीवन बड़ा प्यारा लगने लगता है, सुंदर हो जाए, सुंदर हो जाता है। हर दिन हम कल का इंतजार, कल का इंतजार करते हैं, एक नई उम्मीदों के साथ, एक स्नेह के साथ, परमात्मा प्यार के साथ हम उस जिंदगी को बिताते हैं। तो पूरी यात्रा ही हमारी बड़ी सुखद हो जाती है ना? और अब ये जिंदगी एक उपहार, एक गिफ्ट महसूस होती है कि परमात्मा ने कितनी सुंदर लाइफ दी है, अब मुझे उसको उस तरह से जीना है। I start relishing and enjoying life. Yes. Yeah. लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, परेशान तंग नहीं होते लेकिन एंजॉय करते हैं। इसके साथ एक और बेनिफिट मुझे याद आता है कि जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर दो पावर आ जाती है, एक तो स्वीकार करने की शक्ति, द पावर टू एक्सेप्ट, और दूसरा द पावर टू लेट गो। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि हमारे जो भी पास्ट के कर्म है या जो हमारे साथ बुरी बातें होती है फॉर नो रीजन, उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, फिर भी हमारे साथ अगर कोई दुर्घटना या बुरा सा संदर्भ आता है तो उसको हमको स्वीकार करने की ताकत होती है। नहीं तो कई लोग मैंने देखा है दीदी, पास्ट की बातों को लेके या तो गिल्ट में रहते हैं या फिर दुखी होते हैं, और वो फिर अपने पास्ट की चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। तो हम अपने जो कार्मिक अकाउंट है उसको सेटल कर, उसको बहुत अच्छी तरह सेटल कर सकते हैं। दीदी मैं चाहूंगा कि वापस एक बार आप हमें राजयोग का बहुत अच्छी रीति से हमको अनुभव कराएं, और हम इस अनुभव में लीन होना चाहते हैं, इसको अनुभव करना चाहते हैं, आप हमको मेडिटेशन कराएं। चलिए पुनः कुछ पलों के लिए अपने आप को एक सुंदर यात्रा की ओर ले चलें, अपने आप को स्थिर कर दें। बाहर की तरफ से ध्यान को हटाकर रघु जी के मध्य अपने संपूर्ण ध्यान को केंद्रित कर लें।
एक सुंदर से संकल्प में स्थित हो जाए। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। धीरे धीरे महसूस करें मेरे समक्ष मुझ आत्मा का पिता परमात्मा जो शक्तियों से भरपूर है, ज्योतिर्बिंदु है। मैं आत्मा उसे अपने समक्ष देख रही हूं। परमात्मा से निरंतर मुझ आत्मा के अंदर शक्तियां प्रवाहित हो रही है और मैं बहुत पावरफुल बनती जा रही हूं। परमात्मा का साथ मुझे हल्का बना रहा है, मुझे शक्तिशाली बना रहा है। परमात्मा के साथ से मेरे जीवन में अपार खुशी आनंद का अनुभव हो रहा है। जीवन की यात्रा बहुत सरल महसूस हो रही है। आज मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी संपूर्ण जीवन यात्रा में आप मेरे सक्षम साथी बनकर रहे और कदम कदम पर मेरा मार्गदर्शन करते रहे। मेरे जीवन को आपने अमूल्य बना दिया, खुशनुमा बना दिया। मैं आत्मा दिल से संकल्प करती हूं हर कदम पर आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगे और आपकी स्मृति से हर कर्म को करूं, ये मेरा संकल्प है। इन्हीं शुद्ध भावनाओं के साथ पुनः इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने आप को महसूस करें। ओम शांति शांति शांति। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने डीप साइलेंस का आत्मानुभूति और परमात्मानुभूति को एक्सपीरियंस किया होगा। आगे चलते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आदरणीय कुंती दीदी। वे अपने शुभ भावनाएं इस कार्यक्रम के प्रति हम सबके साथ रखेंगे। दीदी जी मुंबई मलाड सेवा केंद्र के इंचार्ज हैं और वो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। दीदी ने 50 से भी ज़्यादा वर्षों से अपनी सेवाएं ईश्वरीय कार्य में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। चलिए सुनते हैं कुंती दीदी को। ओम शांति। स्वास्थ्य ही समृद्धि है। इस ऊंचे कार्यक्रम में के महानुभावों को हम प्रणाम करते हैं। हमें कई प्रेरणाएं इससे मिली हैं कि योग शारीरिक मानसिक
भावनात्मक और आध्यात्मिक रीति से कई प्रकार का लाभ पहुंचाता है, परंतु इन 5 दिवसों में हमने अपनी जीवन के लिए क्या प्रेरणाएं ली हैं, ये बात हम अभी जानेंगे कि इन 5 दिवस के अंदर हमारे मन को शांत करना, क्रोध पर विजय प्राप्त करना, मानसिक संतुलन बना करके रखना, या ये कहें इस योग ने हमारे स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करने की भी प्रेरणा दी। इस योग ने हमें यह भी बतलाया कि घरग्रस्त जीवन के अंदर रहते हुए हर कार्य क्षेत्र में कार्य को करते हुए भी हम कैसे उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसलिए ठीक ही कहा गया कि कर का मन का चोट, मन का मन का फेर। तो मन को फेरने की कला हमें ये जानने को मिली है। साथ साथ जैसे कहते हैं कि सोने में से खाद निकालने के लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता, इसी प्रकार इस योगाग्नि से भी हमारे मन के अंदर की बुराइयों को, कमियों को निकालने की प्रेरणा मिली है। हम उसे भी अपने जीवन के अंदर अपनाएंगे। जैसे सरोवर में हम देखते हैं कि शांत और निर्मल जल, उसमें मुख को देखें तो वह स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे राजयोग के द्वारा मन के प्रतिबिंब को भी हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो आध्यात्मिकता और राजयोग, इन दोनों का हमारे जीवन के अंदर जब बैलेंस करते हैं तो हमारी जीवन को हम रॉयल श्रेष्ठ बना सकते हैं। ठीक ही कहा गया है कि कर्म करते हुए हम उस परमात्मा को याद करें, इसीलिए योगः कर्मेषु कौशलम् कहा गया। तो चलिए ऐसे घरग्रस्त में रहते हुए, घरग्रस्त का त्याग नहीं लेकिन बुराइयों का त्याग करने की कला को अपने जीवन के अंदर स्थान दें, और जब वह स्थान ले लेगा तो हमारी जीवन भी एक आदर्श या एक सकारात्मक जीवन बन जाएगी। तो वर्तमान समय हम जानते हैं कि हम आप सभी लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, तो ग्रस्त जीवन के अंदर रहते हुए भी ऑनलाइन पर हम साप्ताहिक पाठ्यक्रम को कर सकते हैं, जिसमें राजयोग मेडिटेशन की कला को सीख सकते हैं। तो क्यों नहीं अपने समय को, अपनी शक्तियों को, अपने विचारों को सफल बनाने के लिए इस राजयोग मेडिटेशन कोर्स का लाभ उठाएं। जब यह लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप अवश्य ही अपने नजदीक के सेवा केंद्रों पर जाकर के आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ साथ मैं यह कहूंगी कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक, स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल फील्ड, या ये कहें कि टीवी और फिल्म जगत के हस्तियों ने भी हमें इसका लाभ दिया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ साथ इस कार्य को परोक्ष और अपरोक्ष रीति से सफल बनाने के लिए जिन्होंने भी अपना सहयोग दिया है, उन सभी का भी श्रद्धा के भावों से मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बार पुनः परमपिता परमात्मा की ओर से, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं करती हूँ कि आप भी इस राजयोग को अपने जीवन के अंदर अपना करके अपनी जीवन स्वस्थ और समृद्ध बनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं करती हूँ। ओम शांति। दोस्तों, योगाथॉन के इस अंतिम पड़ाव में आज हम पहुंच चुके हैं। ये 5 दिवस का योगाथॉन आज यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए और आपके लिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए। कहते हैं रखकर सब बातों को साइड और खास रखकर दूर फोन, विश्व के कल्याण अर्थ चलो करें प्यार से सदा योगाथॉन। ये योगा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ, फरिश्तों की ब्लेसिंग्स के साथ, आशा और विश्वास के साथ कि आपका आने वाला
समय बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, विघ्नों से मुक्त हो, अच्छा हो, सफल हो, यही आशा के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं और संगीता दीदी आपसे छुट्टी लेना चाहेंगे। ओम शांति एंड नमस्ते। नमस्ते। उदारता जीवन की शान है। आओ आज उदारता का ताज पहनकर सबके दिलों को जीत लें। भारत फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। घर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.